भविष्यवक्ताओं को और परमेश्वर के उन आत्मज्ञानियों को परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है। और इसी सत्य को प्रकट करने के लिए तो परमेश्वर स्वयं देह बन करके इस धरती पर आने का एक रास्ते का चुनाव करते हैं। हमें एक बालक दिया गया, हमें एक पुरुष के रूप में जन्माया, निर्दोष निष्कलंक अवतार दिया गया, जिसके द्वारा वह अदृश्य संसार की सत्यता को दृश्य संसार में प्रकट कर देवे। और यही उसका उद्देश्य है कि वह मनुष्य की सत्यता को प्रकट करे। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही सत्य जानना हर देश के लोगों की और हर जाति के लोगों की जरूरत है। जी हां, सो यहां पर बाइबल का परमेश्वर मनुष्य के बारे में बताता है कि आत्मा का शरीर से निकल जाना यदि हो गया तो यह मट्टी पर मिल जाता है। यह है पहली मृत्यु, जो धर्मी और पापी दोनों पर लागू होती है। परंतु आपको जानकारी मिले, जिस बालक को धरती पर निष्कलंक अवतार बना के लाया गया, वह भी दो दुनिया को अपने अंदर रखता है, भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया। और आत्मिक दुनिया के आत्मज्ञान को भौतिक दुनिया में दिखाने के लिए उन्होंने अपने वचन को जो इस्तेमाल किया, और उस वचन में उन्होंने एक कहानी बताई थी। और वो कहानी ये थी कि धनवान नाम का एक व्यक्ति था जो पापमय जिंदगी जी रहा था, और लाजर नाम का एक दूसरा व्यक्ति था जो भिखारी गरीब, परंतु वह धर्म ज्ञानी था, वह सत्य ज्ञानी था, वह सत्य की खोज में था। शास्त्र में लिखा है दोनों की मृत्यु हो जाती है। जी हां, धनवान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अधलोक में भेजा जाता है, और इब्राहिम और लाजर की मृत्यु के बाद देवदूत आते हैं और उसकी आत्मा को सुखलोक में लेके चले जाते हैं। अब जरा देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के साथ मृत्यु के पश्चात अलग अलग घटना घटती है। याद रखिए, शरीर में तो जो धनवान था और जो लाजर था, वो दोनों एक ही कब्रस्थान में गए। उनको मट्टी देने की पद्धति में बदलाव जरूर हो सकता है, गरीब को ऐसे ही साधारण लोगों ने ले चले गए होंगे, धनवान को ज्यादा फूल माला चढ़ाए गए होंगे, परंतु गए तो 24 घंटे 48 घंटे में दोनों शरीरों को मट्टी के कीड़े ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बना के खा गए ना। ऐसा तो है नहीं कि धनी का मुर्दा सड़ेगा नहीं और गरीब का जल्दी सड़ जाएगा। अरे जो बटर ब्रेड ज्यादा खाता है ना, उसको कीड़े जल्दी खाते हैं। ज्वारी की रोटी और भाकरी वाले को, सामने वाले को भी पचाने में भी तो डाइजेशन चाहिए ना। इसलिए जो अधर्म में जीवन जी करके मरा, उसका शरीर भी मट्टी पर है। जिसने सत्य को जान करके मृत्यु प्राप्त की तो भी उसके शरीर को मट्टी के कीड़े खा गए, उसमें कोई दो मत्ता नहीं। परंतु जो आत्मा है ना, वो अमर है, उसका अंत नहीं होता। वो मनुष्य के अंदर पैदा होने से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। परमेश्वर ने हर तन को आत्मा पिरो करके धरती पर पैदा किया। शारीरिक मृत्यु के समय वह आत्मा जो इस तन में पिरोई गई थी निकल के बाहर चली गई। याद रखें, आत्मा एक अमर संपत्ति है। इन दोनों के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक जाता है जमीन की गहराई में, जहां रोना और दांत पीसना है। दूसरा जाता है इब्राहिम की गोद, जो संतों की जगह है। मृत्यु के बाद घटनाएं अलग अलग हैं। याद रखिएगा, हम भले ही फोटो के नीचे मरने वाले के नाम पर स्वर्गीय जोड़ दें, परंतु कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में या सुखलोक में होगा कौन, अधलोक में होगा कौन, इसी सत्य को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस अदृश्य संसार से दृश्य संसार में मनुष्य के ऊपर डले पर्दे को, उस घूंघट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा।
इसलिए ये सत्य समझना हमारी जरूरत होती है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है इसी पर्वत पर मृत्यु को और अधलोक को दोनों को मैं नाश करूंगा। मृत्यु का मतलब शारीरिक मृत्यु और प्राण की मृत्यु अधलोक में। हमें जो बालक दिया गया लिखा है आठवें पद में यशैया के 25:8 में, और मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। इस घूंघट को सब देश के लोगों और सब जाति के लोगों के ऊपर मृत्यु के सत्य के पर्दे को वह हटाने के लिए इस धरती के अंदर में आया है। जी हां, और उसी पर्दे के बारे में प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि मैं परमेश्वर की योजना को लाजर और धनवान की कहानी से स्पष्ट करता हूं कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा को यदि उसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले सत्य को जान गया तो वह मरने के बाद मृत्यु का भागीदार नहीं हो पाएगा। और जिसने अनंत जीवन के सत्य को जान गया वही होगा जो अनंत जीवन की सत्यता को प्राप्त करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु का इस धरती के अंदर में आगमन हुआ।